अच्छा दोस्तों, अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ से पीछे जो है, मेरे पीछे पासुकोन्स मशहूर है, पहाड़ी है, तो ये आपको एक व्यू नज़र आएगा बहुत ज़बरदस्त। इसके जो पहाड़ है ऐसे कोन की तरह शेप के बने हुए, और इसको देखने के लिए नेशनल, फॉरनर, टूरिस्ट सब सब बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये ऐसा पॉइंट है कि एक यूनिक माउंटेन वो है, रेंज है, ठंडी हवा और व्यू बहुत ज़बरदस्त है। इस सिर्फ व्यू देखने के लिए हम लोग टूरिस्ट जो है इतना पैसा एनर्जी खर्च करके इधर आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप का प्रोग्राम इस मौसम में बना है, तो क्या कहेंगी, किस वजह से, क्या अट्रैक्शन हुई एक्चुअली आपको? हमने स्नोफॉल के लिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, बट आज जो रात मनफी गुजरा है, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा सर्दी थी इधर, लेकिन इंजॉयमेंट है। आप आए, इंजॉय करें, बिलीव करें कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं हमजा के। ठीक, अभी हम मौजूद है यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, और यहाँ पे ज़रा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। क्या हाल है सर, खैरियत? क्या हाल है सर, ठीक ठाक, खैरियत? आपका नाम? मेरा नाम अमजद अली खान सर जी। और आपका? रिहाना। रिहाना, अच्छा, कितनी कितना टाइम हो गया? पहले तो ये बताइए, इलाके के ही हैं, रिहायशी हैं? इसी गांव का रहने वाला हूँ सर, सिविसनी से पेंशन ब्रिज के ना, इसी गांव का रहने वाला। तो कितना अर्सा हो गया ये अभी शॉप का और सेटअप का? अरसा ये तकरीबन 2017 में, ये जो रॉक्स है सर उसके याद के मुताबिक जो ना, मैं 2017 से ही स्टार्ट किया था सर। जी अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ पे टूरिस्ट अभी तो ऑफ सीज़न है, इतने नहीं होंगे शायद? नहीं सर, आते हैं सर, मतलब सर्दी का सर भी लोग देखने के लिए आते हैं। गर्मी तो आते हैं सर, गर्मी के दिन सीज़न में तो आते हैं, लेकिन सर्दी का ऑन सीज़न में बहुत लोग आएंगे। बहुत आते हैं सर, हर सीज़न में बहुत है लोग आते हैं सर। जिस तरह ये आपके सामने सर, ये मेमोरी जो है, अच्छा ये याद, अच्छा अच्छा, इसको भी जरा वो क्लियर है। ये जो मतलब ये पहला, ये 2017 से जो मैंने स्टार्ट किया था, वो पहला रॉक्स इसी तरीके से मुझे याद है सर, कि पहला रॉक्स इससे स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की खातून थी सर, इससे स्टार्ट होकर फिर जो ना ये आज आपके सामने ये उनकी यादें हैं सर, कस्टमर की, चाहे वो करेंसी में हो, चाहे वो रॉक्स में हो, चाहे वो सिक्के में हो, ये उनकी यादें हैं सर। ऑल ऑफ कस्टमर, जिस तरह आज ये लिखा हुआ है कस्टमर ने यहाँ पे लिखा, गुजरात के 25/1/2021 का, ये आज का है सर। उन्होंने ऐसे किया सर कि मुझे 500 रुपये फीस दिया हुआ, कि ये अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखो, जब भी हम आ जाएंगे तो होनी चाहिए। तो वो 500 रुपये का खातर जमानत थी, उनकी यादें मेरे पास महफूज हो रही है सर। तो ये कहानी थी। चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने पहले ये चीज़ नहीं देखी थी यहाँ पे। बिल्कुल, अच्छा, सॉरी सर, सॉरी, बिल्कुल पहले आइडिया था। अच्छा अच्छा, ठीक सर, यही। और ज़्यादातर ये फॉरनर्स के मुझे नज़र आ रहे हैं। राइट सर, राइट राइट, नहीं पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी है, दिख रहे हैं। फॉरनर का करेंसी है सर, जे जी का अपनी करेंसी है, ये जिस तरह ये कनाडा के है, चिली के, ये यूएसए का, यूएसए है, और वो रशिया का, वो जापान का, ऐसे उन्होंने अपना नाम लिखा, तारीख लिखा, और मुझे इसके 500 रुपये फीस दिया। ठीक ठीक ठीक। और वो दोबारा आते देखने के लिए सर, वो आते हैं फिर दोबारा रिविजिट लिख के, फिर जो ना मुझे 200 रुपये देते हैं सर इसकी निगरानी का। अच्छा, और यहाँ पे आगे जो है वो लेक जो है अताबाजी, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, ये क्या वाकया हुआ था 2010 के बाद? अच्छा सर, 2010 में ये अताबाद डिज़ास्टर हो गया सर, एक बड़ा चट्टान था, वो अचानक गिर गया, 4 बजे की बात है, शाम के 4 बजे वो गिरा था। तो फिर वो जो ना वो झील, वो पानी यहाँ पे से जो आपके खुंजराब के जो दरिया है, ये जाके वहाँ पे जमा हो गया सर। वो जमा होने से वो ये सारे आके परसों तक ये झील भरा हुआ था, पूरा ही। वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो हमारा जो पुराना जो हमारे लोगों ने बनाया था, वो असल में वो पुराना लोगों ने जो बनाया था, वो दरिया जो बन गया, डैम जो ये अपना डिजास्टर झील जब बन गया, तो वो पानी वहाँ तक गया। बाद में जब वो दरिया चला गया, तो फिर वो साथ में वो पुराना वाला पुल उखाड़ के ले गया सर। अच्छा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो ना अपने फंडिंग पे उसी के तर्ज पे वो दोबारा उसको रिपेयरिंग कराया सर। तो आज हम जो ना उसी पुल पे चलते हैं, पल्ला साइड पे हमारा गांव है, उस पर पीठ पे जो ना बोझ लेकर आते हैं, आलू लेकर आते हैं, घास लेकर आते हैं, लकड़ लेकर आते हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे हमारा वहाँ पे भी। अच्छा, आप का कैसे ख्याल आया कि अपने हस्बैंड के साथ ये कॉफ़ी शॉप बनाएं और इनकी इनके साथ हाथ में मदद करें इनके कॉफ़ी शॉप में?
वरना यहाँ के इलाकाई लोग जो है वो इतना मतलब रिजर्व रहते हैं, तो आप एक हमारे लिए सैंपल है। गुड क्वेश्चन। कुछ बोले जो खवातीन है जो शर्माती है कि हमें घर में रहना है, ये आप हस्बैंड के साथ वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं? नहीं, शर्माने में तो कोई बात नहीं है। हाँ, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे वो कॉफ़ी और डोडो हमारा ये लोकल डिश जो होता है वो बनाते हैं, और इसी मदद से अपना घर चलाते हैं। बच्चों को भी पढ़ाना है। अच्छा। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है एक। अच्छा। और 5 बच्चे हैं। मेरा घर में रहना में तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप इस एज में और इस जगह पे ये काम कर रहे हैं, ये आपके लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी एक सैम्पल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम बताए पहले? तलहा सैयद मोहम्मद तलहा। फातिमा। अच्छा जी, और कौन से इलाके से हैं? कराची। कराची। अच्छा जी, तो इस ठंड में यहाँ पे क्या करने आए? इंजॉय करने आए, लेकिन ठंड इतनी है, पानी जमा हुआ है, हालत बुरी हुई है। लेकिन मजा अपनी जगह बहुत, मजा बहुत है। नीचे हुसैनी ब्रिज सबसे बुरा है, चढ़ाई कौन से इलाके घूम फिर चुके हैं अभी? हमने इससे पहले पासुकोन देखा था, उससे पहले फिर हमने अल्ताबाद लेक देखी, बहुत मजे की थी, बहुत मजा किया। और उसके अलावा हमने क्या देखा? फोर्ट। बल्टे फोर्ट देखा हमने। करीम आबाद। अच्छा, आगे खंजरा पास तक गए? नहीं, खंजरा बंद है वो। अच्छा, बंद है। बंद है उसकी वजह से। बगला इंशाल्लाह हमारा प्लान सवात का है। नलतर नहीं, अभी नलतर है, उसके बाद सवात। कहाँ से? हम दोनों इस्लामाबाद से बिलोंग। अच्छा, ये बताएं कि इस ठंड टाइम पे सर्दी में तो यहाँ क्या करने आए, कौन से इलाके घूमने आए? हम यहाँ पे आए थे, बसू कौनस गए हैं, यहाँ पे हुसैनी ब्रिज गए हैं, बाकी हंजा देखा है हमने, गिलगित वो गिलगित गए गए थे, उसके बाद बल्टिस्तान वो भी देखा है हमने। खुंजरा पास की तरफ? हाँ, खुंजरा पास से हो गया है, उधर भी गए थे हम। अच्छा। और यहाँ पे जो अभी कुछ दिन पहले वो स्कीइंग का प्रोग्राम था नलतर में, वहाँ पे गए? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो हम मिस कर लिए, हम लेट पहुँचे थे, वो क्लोज हो चुका हुआ था। ठीक है, तो अभी आगे क्या, कौन कौन से एरिया में प्रोग्राम में जा रहे हैं? अभी तो वापसी का ये, कल इंशाल्लाह हम लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा। ये 5 दिन का। कैसा लगा सर यहाँ पे ऑफ सीजन में, यहाँ के लोग, यहाँ के टूरिज्म के मुतालिक क्या कहेंगे? पर्सनली लोगों का बिहेवियर आई लाइक दैट, लोगों का बिहेवियर अच्छा था, लोग फ्रेंडली हैं, नाइस हैं, मेहमान नवाज आउट ऑफ द वे में हैं, लोग अच्छे लोग हैं, व्यू अच्छा है, आप पीस आपको मिल जाता है, पीसफुली आप चीज़ें इंजॉय कर लेते हो। कोई टूरिज्म के मुतालिक कोई मसले तो नहीं है, इलाके सिक्योरिटी या कुछ भी, खाने पीने का? सो फार सो गुड, अभी तक तो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी मेन रोड से हम नीचे उतर रहे हैं, ये जो है इलाका है, यहाँ के रहायशी है, तो इनकी एक गलियाँ बनी हुई है, ये सारा सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जाता है, तो यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट से हमारी मुलाकात हुई है, वो उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, बहुत पसंद की है लोगों को, कि यहाँ के मकामी लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और टूरिस्ट के साथ स्पेशली बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा दोस्तों, अजय और भी टूरिस्ट बहुत है यहाँ पे, कपल्स स्पेशली इस ठंड के मौसम में आए हुए हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो इनसे ज़रा देखते हैं, मुलाकात करते अगर अलाउ करें तो। सर एक मिनट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान पंजवानी, सबिता इमरान। ठीक है, और कहाँ से ताल्लुक़ है? हम लोग कराची से हैं। ठीक, इस ठंड मौसम में यहाँ पे हम कराची वालों के लिए ठंड बहुत ज़्यादा है, बट अमेजिंग, हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ का स्पेशली हमें यहाँ का फूड जो हम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अच्छा लगा, हमें हैरत हुई यहाँ की बिरयानी खा के, कि हम लोग वहाँ पे बिरयानी बहुत बनाते हैं, बहुत किस्म की बनाते हैं, बट यहाँ की जो हमने बिरयानी खाई आउट क्लास, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और सर कौन कौन से इलाके घूम चुके हैं आप? हम असल में अपना प्राइवेट ट्रिप ऑलरेडी सवात 2 दिन कर चुके हैं, फिर मेरे कुछ कुलीग से जो मुझे बुनेर लेके चले गए, स्पेशली उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए 2 दिन उन्होंने हमें ज़बरदस्ती रखा, उसके बाद हम इस्लामाबाद से वापसी इस ट्रिप के ग्रुप के साथ आएँ, और हम अभी तक हंजा जा चुके हैं, इसके अलावा सबसे पहले हम कहाँ गए थे? सवात। सवात से वापसी आ गए थे हम लोग इस ग्रुप के साथ, चिल्लास, बिशाम, फिर चिल्लास, चिल्लास के बाद गिलगित, गिलगित के बाद हंजा,
और अभी हम वो पासो वेलकम पासो कौन सा था पासो ब्रिज, हाँ पासो कौन वहाँ से होके आए हैं और इसके बाद अभी हम यहाँ पर आए। ठीक है, और आगे खुंजराब की तरफ? नहीं, खुंजराब की तरफ हमारा थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया जिसकी वजह से हम ना नहीं जा पाए, क्योंकि हमें तक अगर हम इस वक्त जाएंगे तो वहाँ पे हमें वो आई थिंक ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है बहुत सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा अजय भाई, यहाँ पे कपल्स तो फैमिलीज भी आ रही हैं, कपल्स भी आ रहे हैं, और इस ठंड मौसम में ये बहुत एक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, अट्रैक्शन के लिए, इलाके के लिए, कि लोग सर्दी को भी इंजॉय करने आ रहे हैं। तो जाते और देखते हैं, नीचे मिलते हैं लोगों से। अभी हम नीचे उतर रहे थे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, और रास्ते में हमें मकामी एक लोग मिले जो अभी यहाँ पे अपने शॉप एक बनाई हुई है, तो इलाकाई चीज़ें हैं इनका, देखते हैं क्या क्या बेच रहे हैं और किस तरह का हमें गाइड करते हैं। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? ठीक ठाक है भाई, आपको क्या हाल है? ठीक है। अच्छा मैडम, आप बताएं कि ये आप क्या क्या चीज़ें हैं आपके? मेरे पास है ड्राई फ्रूट है, गुबानी, ड्राई गुबानी भी दर का है, वो ड्राई चेरी है, मिक्स ड्राई फ्रूट है, गुबानी बादाम है, अखरोट है, अखरोट का तेल है, गुबानी तेल है, शहद है, ज़ाफ़रान है, सलाजीत है, ये ग्रीन टी है, तमोर हमारा जबान कहती है इसको, ये भी इधर का है, सारा लोकल इधर का है। अच्छा। ये शैतूत भी इधर, किशमिश है, सारा इधर का है। ठीक, हम इधर बस यही बेचते हैं, इधर हम लोकल किशमिश भी बना सकते हैं, जो डिमांड देते हैं वो भी बनाते हैं हम इधर। अच्छा, और यहाँ पे मतलब अभी तो ऑफ सीजन है, ऑन सीजन में बहुत से लोग आते हैं? हाँ, वो ज़्यादा लोग आते हैं, अभी लोग अभी ज़्यादा आते हैं। अच्छा। अभी तक माशाल्लाह चल गया हमारा ये सीज़न भी। ठीक। अच्छा, पिछले साल तो कोरोना की वजह से बहुत ख़राब थे। हाँ, बहुत खराब। तो उस वक्त फिर आप क्या करते थे, ये लोग जब नहीं आते थे, ये सामान बेचना, घर का गुजर बसर? बस उसके बाद बंद हो गए, फिर बस अपना दुकान से उधार सामान ला के खर्चा ले लाया, खाया, बस बैठे। उसके बाद अगस्त महीना शुरू हो गया, मैंने अपना वो कर्ज भी ख़त्म किया दुकानों से, बस और ये शुरू हो गया चला। चले शुक्र है। और अभी जो दूसरा सीज़न आएगा इंशाल्लाह, तो उसमें उम्मीद है कि और भी ये कोरोना के हालात बदल जाए तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, बहुत फ़ायदा होगा भाई। ठीक है बहुत शुक्रिया। यहाँ के टूरिस्ट आते हैं जो नेशनल हैं और फॉरनर्स आते हैं बहुत? हाँ, सारा लोग बहुत आते हैं। अच्छा, फॉरनर्स यहाँ से कुछ ख़रीदारी करके जाते देसी चीज़ें? हाँ, सारा ये लोकल चीज़ लेते जाते हैं। पसंद है, कोई तंग वगैरह तो नहीं करते, इलाके को इशू वगैरह? नहीं, कोई तंग नहीं करते, नहीं, सारा अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों, अभी हम जो मेन रोड से ट्रैक करते करते हमें रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, दोस्त मिले, यहाँ पे अभी नीचे पहुँच गए हैं सस्पेंशन ब्रिज के पास, और टूरिस्ट बहुत मतलब ज़्यादा तादाद नहीं लेकिन आए हुए हैं, और चले आए उनसे गपशप लगाते हैं। आपका नाम? सजावल। कहाँ से है? हम सियालकोट से। सियालकोट से आए हैं। अच्छा, तो इस ठंड में यहाँ पे कैसे फीलिंग हो रही है? बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा ठंड है, अभी बात इतने फ्रीज हो गए हैं कि ना बात हो रही है ना हाथ खुल रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन से माशाल्लाह, ये एरिया है हुसैनी ब्रिज है, आगे पशुकोन तक जाने दे रहे हैं, सुस्त तक जाने दे रहे हैं, वहाँ से आगे रास्ता बंद है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से एरिया घूम चुके हैं? यहाँ पे हम एक तो नलतर कर चुके हैं, फिर ये हुसैनी ब्रिज और अलतीत बलतीत, ये सब पॉइंट हम कर चुके हैं। अच्छा, टूरिज्म के बारे में, इस मौसम में लोग कम आते हैं पिछले साल के बनिस्बत, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या ये लोगों को लगता है पता नहीं कि यहाँ पे रास्ते बिल्कुल बंद है, आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सुस्त तक बंदा जा सकता है किसी भी विंटर में, किसी भी टाइम में आए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं हम भी, आप भी हैं इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम एचाम है सर, मैं हुंजा से ताल्लुक रखता हूँ, लोअर हुंजा से। लोअर हुंजा से, तो आप यहाँ के हुंजा के रिहायशी है और फिर भी इस ठंड में इंजॉय कर रहे हैं? जी सर, हम यहाँ पे क्योंकि जस्ट हम आप सर्दियों गर्मियों में हमें तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने बिजनेस के साथ बिजी होते हैं,
हम भी बिजनेस करते हैं तो इस वजह से हम ठंड में भी आते हैं और सर्दियों में गर्मी में भी आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे जहनों में होता है कि सिर्फ बाहर के लोग ही इधर घूम फिर सकते हैं। ये आपने एक और चीज़ बताई कि इलाके के लोग भी घूमने के लिए बहुत शौक से आते हैं। बिल्कुल सर, इलाके के लोग भी यहाँ पे बहुत शौक से घूमने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत पुरानी ब्रिज है तो यहाँ पे लोग अपने वो टूरिस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे लोग मज़े उठाने के लिए। अच्छा, टूरिस्ट के लिए कौन कौन से स्पॉट यहाँ के जो है मशहूर है? टूरिस्ट पोर्ट के लिए सस्पेंशन ब्रिज हो गया सर, खुंजराब टॉप है, और इसके अलावा हमारे हुंजे लोअर हुंजा में दुई कर गए ईगल नेस्ट के भी मशहूर है, और हमारे दो किले अल्तित फोर्ट और करीम बल्तित फोर्ट यहाँ दो तीन मशहूर है सर। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अभी हम पहुँच गए सस्पेंशन ब्रिज पे और मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं। एक तो बहुत ख़तरनाक ब्रिज है, नीचे ज़रा देख लें, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और अपनी एहतियात खुद ही करेंगे। तो अभी तो हमको ज़रा मुश्किल हो रही है यहाँ पे इंटरव्यू करते करते वहाँ तक पहुँचने में, तो हम यहाँ पे ज़रा स्टॉप करके वहाँ तक पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे। Where are you from? I'm Karachi. Karachi. And how do you feel in this winter? It's amazing. The weather is pretty good. Okay. It's my first time seeing snow. It's your first time. Okay. And which place do you visit? Did you visit? I have visited so far. I've just visited many rivers. The Abtabad, the lake, I've visited that. And I don't know, I just saw lakes and rivers. That's okay. It. Okay. And how many days you are staying here? It's our second day here, so we're just going to stay here till tomorrow and then we're going to leave. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजारा बेग ताजिक है। अच्छा, और मुख्तसर बताएं कि क्या इस इलाके के लिहाज से क्या सौगात है और क्या कर रहे हैं? बस यहाँ हमारा छोटा ड्राई फ्रूट्स की दुकान है और ये टूरिस्ट पॉइंट पे है, बाकी ये ब्रिज की वजह से ये जो हमारे गांव है ये काफ़ी मशहूर है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे? हाँ, पिछले साल की नस्बत इस साल तो मौसम सरमा में भी टूरिस्ट जारी रहा। अच्छा। लेकिन पिछले साल अक्टूबर नवंबर में टूरिस्ट कम होते थे, लेकिन इस साल वो कंटिन्यूस रहा और अगले सीज़न फरवरी के 15 तक वैसे भी सीज़न आ रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में जारी रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।